नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शमशेर से। आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं साइन डिश 24/7 लाइव, सच की आवाज। आइए आपको रूबरू करवाते हैं कुछ अहम खास मुद्दों पर। बदल चुका है आज उत्तर प्रदेश की चिंता सर्वाधिक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्टेट के रूप में हो रही है। हम राउंड द क्लॉक सभी जिलों में बिजली दे रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं हमारी उच्च कोटि की हैं। बेसिक शिक्षा के स्कूल कायाकल्प योजना के तहत बेहतर से बेहतर बने हैं। हमारे पास एक विमर्श बना है कि आर्थिक मोर्चे पर हम नंबर एक पर आने वाले हैं। विपक्षी दलों के पास कहने को कुछ है नहीं। उनके शासनकाल को लोग याद करके सिहर उठते हैं। गुंडई, अराजकता, दंगे चरम पर थे। पूरी तरह से सरकारी संसाधनों की लूट होती थी। आज उत्तर प्रदेश की जनता आदरणीय मोदी जी के साथ है, आदरणीय योगी जी के साथ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इनको कहना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में विकास के जो पैमाने इनकी सरकार में थे और हमारी सरकार में थे, जो लाइडर समाजवादी पार्टी की सरकार का था, हमारी सरकार का था, जो महिलाओं का सम्मान अखिलता पार्टी की सरकार में है, जो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में था, जो बच्चों पर अत्याचार सपा की सरकार में था, जो हमारी सरकार में सम्मान मिल रहा है, तुलनात्मक अध्ययन प्रदेश की जनता और समाजवादी पार्टी के लोगों को बीच में करने की आवश्यकता है। इस समय केवल विमर्श बदलने के लिए इस प्रकार की बातें उठा रहे हैं। इनको वास्तव में उत्तर प्रदेश की आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। इनका मतलब सिर्फ सत्ता से है, सरकारी संसाधनों की लूट खसोट से है और कैसे अपना पेट भरे उस पर है। बार बार आप लोगों को भी, अपने मीडिया के मित्रों को भी मैं कहना चाहता हूँ, तुलनात्मक अध्ययन करके जनता के सामने इस प्रकार का विवरण आप रखें, महसूस हो लोगों को। आम आदमी के जीवन में, गरीब आदमी के जीवन में बदलाव लाने का काम भाजपा सरकार ने किया है। आज प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश की बढ़ी है, लोगों में प्रॉस्पर्टी बढ़ी है, क्रय शक्ति बढ़ी है। उत्तर प्रदेश राज्य खुशहाली के मोर्चे पर तेजी के साथ मदरसों पर एसआईटी ने कार्रवाई की बात।